वेलकम टू पाकिस्तानी ड्रामाज़ असल दोस्तों जी दोस्तों आज यहाँ पर बनाने जा रहे हैं मैरी बिस्किट विद कॉकटेल और उसके लिए इन्ग्रीडियंट्स क्या चाहिए ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ये इन्ग्रीडियंट्स हैं आइए चलें शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे मैरी बिस्किट और उसको एक शीशे की आ, मतलब डीप डिश में इस तरह से बिस्किट्स को अच्छी तरह से सारा बिछा लेंगे एक लेयर बना लेंगे और कुछ बिस्किट्स को तोड़ के जो ज, थोड़ी थोड़ी जगह रह गई है उसमें अच्छी तरह से बिछा लेंगे अब हम कॉकटेल लेंगे फ्रूट लेंगे कोई भी टिन फ्रूट्स ले लें कॉकटेल कोई किसी भी ब्रांड का उसमें जितना भी सीरम होगा जितना भी पानी शीरा जो भी मौजूद होगा वो सब हम बिस्किट के ऊपर डाल देंगे ताकि बिस्किट अच्छी तरह से सोगी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए इनको अच्छी तरह से डाल के घबराना नहीं है कि ये पानी पानी हो गया ऐसा कुछ नहीं होगा वो सब बिस्किट चूस लेंगे सोक कर लेंगे उसके ऊपर सारे फ्रूट्स डाल देंगे आप देख रहे हैं किस तरह से मैं सारे फ्रूट्स अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा डालती जा रही हूँ और इसको फ्रूट्स डाल के एक जैसी लेयर बना लेंगे अब इसके बाद जैसे ही फ्रूट्स की एक लेयर बन गई तो हम यहाँ पे किसी भी ब्रांड की ऑल पर्स मिल्क पैक किसी भी ब्रांड की क्रीम लेंगे और उसको एक बाउल में निकाल लेंगे यहाँ पर मैंने लिए हैं दो पैकेट लिए हैं क्रीम के और आपके सामने देखें मैं सारी बाउल में निकाल रही हूँ निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से पैकेट साफ कर लेंगे और इसमें डाल डालेंगे कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क एक भरी भरा जार भी मिलता है और एक ये छोटे छोटे टिन भी मिलते हैं कुछ ज़्यादा पुराना हो जाए तो आप देख रहे होंगे दो डिफरेंट कलर के कंडेंस मिल्क हैं तो उसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है जो फ्रेश फ्रेश होता है उसका थोड़ा लाइट होता है लेकिन होते दोनों ठीक हैं उनको अच्छी तरह क्रीम में मिक्स करने के बाद हम एक लेयर लगा देंगे क्रीम की इस तरह से अच्छी तरह नीचे बिस्किट तक क्रीम जानी चाहिए और आप देख रहे हैं कि मैं सेंटर सेंटर में स्पून को भी अच्छी तरह हिला रही हूँ ताकि मेरी क्रीम नीचे बिस्किट तक पहुँच जाए अब क्रीम के बाद थोड़े से बिस्किट मेरे पास और मौजूद थे और मैंने सोचा चलो एक और लेयर बना लेते हैं इसके ऊपर बिस्किट हाली डलेंगे इसके ऊपर है सीरम शीरा वगैरह कुछ नहीं डलेगा क्योंकि वो क्रीम की मदद से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम जितने फ्रूट्स हमारे पास रह गए थे बाकी वो भी डाल रहे हैं आपके सामने है कोकटल फ्रूट किसी भी ब्रांड का टिन ले सकते हैं आप और इस तरह से सारी लेयर डाल देनी है साथ ही साथ एक दफ़ा फिर क्रीम की लेयर आ जाएगी अच्छी तरह से देखें वाए है है इतना मज़ेदार किस्म का ये बनता है फ्रेंड्स आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी आप देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से सारा डाल दिया अब मैं इसको एडजस्ट करूंगी थोड़े से जो फ्रूट्स मेरे ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं उनको नीचे कर लूंगी अच्छा जी दोस्तों ये ऑप्शनल है अगर आप लोगों को पसंद है तो ले लें ये कुकिंग चॉकलेट है आप डेरी मिल्क किटकैट कुछ भी ले सकते हैं मैंने डेकोरेशन के लिए आ, मुझे पसंद है ये कुकिंग चॉकलेट चौक, को अच्छी तरह क्रश किया और एक साइड पर मैंने चॉकलेट वाल ली साइड बना लिया और एक साइड मैंने कॉकटेल वाली क्योंकि मेरी अम्मी चॉकलेट लाइक नहीं करती हैं और मैं करती हूँ तो मैंने अपनी साइड पे चॉकलेट और बच्चे वगैरह बहुत शौक से खा लेते हैं तो एक साइड पे चॉकलेट मैंने कर दिया है अभी इससे पिक की मदद से ये जो एक बाउंड्री लाइन बन गई है इसको ख़त्म कर दूँगी और थोड़े से फ्रूट्स मैंने बचा के रखे हुए थे अब हाफ साइड पे आप देखेंगे ये चॉकलेट वाला रेडी हो गया अब हाफ़ साइड पे मैं डाल रही हूँ जो फ्रूट्स मैंने बचा के रखे थे डेकोरेशन के लिए वो हाफ़ साइड पे मैंने वो डाल दिया अच्छा इसके बाद ये जब पूरी डिश रेडी हो जाए तो आपने इसे वन आवर के लिए फ्रीज़र में रख देना जब आप इसे फ्रीज़र में रख देंगे तो ये बड़ा मज़े का थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएगा इसे बिल्कुल हार्ड नहीं करना बस हल्का सा फ्रीज करना है। और ये फाइनल लुक आपके सामने आ गई है और इसके बाद जी हम डिश में से इसको प्लेट में डालते हैं और ये फाइनल लुक है बहुत मज़े का ट्राई कीजिए